यार ये इतने अच्छे अच्छे रोड गूगल मैप वाले को पता कैसे चलता है? तो मैं अभी पूछ के यार। सर पेमेंट एक बार कर दीजिएगा, पेमेंट अभी का कर दीजिएगा, क्योंकि भाई साहब मैं तो फ्रॉड होते होते आज मैं फिर से बच गया। ये तो अच्छा मैंने दिमाग लगा लिया कि यार एक बार ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक लाइट। तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम सुबह के 9:30 बजे। तो चले गए रैपिडो में, हमारी पहली राइड आ चुकी है। अरे यार क्या हो रहा है, रैपिडो में जैसा आप लोगों को पता है कि हमें फिर से कॉरिडोर एरिया में डाल दिया गया है, जिसमें हमें छोटी छोटी राइड ही मिलेगी। तो देखते हैं हमें छोटी राइड में प्रॉफिट होती है फिर लॉस होता है इसमें भी। तो ट्राई करते हैं आज रैपिडो का कॉरिडोर एरिया। ओटीपी बता दीजिए सर। 3084 ओके। ये आप हेलमेट पहनिए, मैं घुमा लेता हूँ। तो भाई पहली राइड हमने पिक कर ली है। नहीं कुछ नहीं, थैंक यू सर। तो भाई ये राइड हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और एडवांस में हमें एक राइड भी आ चुकी है। अरे यार कैंसिल कर दिया क्या? आ तो गई थी भाई। नहीं आ तो गई है। तो चलिए इनको उठा लेते हैं। बट यह है किधर? हाँ समझ गया समझ गया, ये तो वहीं पे हैं जहाँ पे अभी हमें जाना है। चलिए भाई दूसरी राइड को भी पिक करते हैं। जैसे नहीं चेंज नहीं होगा मैं भाई। ओके तो चलिए हमारी एक और राइड जो एडवांस में हमें मेट्रो पे आ चुकी थी, तो चलिए उनको भी फटाफट से पिक करते हैं। कॉरिडोर एरिया में जो है ट्रैफिक लाइट ही यार परेशान करके रख देता है, देख रहे हो पूरा रोड ब्लॉक्ड है। ऊपर पे हाईवे देख लो, हाईवे भी ब्लॉक है। ये जो मैं अभी नीचे यू टर्न लूँगा ये भी ब्लॉक है। ये भाई साहब देख रहे हो। भाई इसके पहले वाली राइड जो थी वो तो कैंसिल हो गई, जैसे वो वाली राइड जो मैंने मतलब कि राइड के बीच में ही जो मैंने एक्सेप्ट करके रखा था वो राइड तो कैंसिल हो गई। उसके बाद तुरंत ही मुझे दूसरी एक और राइड मिल गई, तो फिलहाल मैंने उनको पिक कर लिया है। अब चलते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। 4.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, और फिलहाल हम मेट्रो से बाहर निकल चुके हैं। भाई साहब ट्रैफिक देख रहे हो यहाँ पे, 4-5 दिन बाद शायद मैं मेट्रो पर आया हूँ, क्योंकि लंबी लंबी राइड मारा था तो इधर आने का मौका ही नहीं मिलता था। यार एक बार ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक लाइट ये देख लो सारे, ये होता है ऑफिस टाइमिंग का असर, देख रहे हो। तो यार राइट के बीच में एक राइड और राइड आ गई थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बट इनको ड्रॉप करेंगे तभी तो उनको पिकअप करेंगे। 45 ओके सर। चलिए भाई दूसरी राइड की भी कॉल आ रही है, तो मैंने भैया को पिक कर लिया है। ये ऑफिस है ना सर, चप्पल भैया ठीक करना, बहुत ही अच्छा है। ओके चलते हैं कोई नहीं। और आगे ये मैं अभी पूछ के यार। सर पेमेंट एक बार कर दीजिएगा, पेमेंट अभी का कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है। कस्टमर लेके चले जाते हैं यहाँ पे, कर दीजिए, मैं आपका वेट कर लूँगा यहाँ पे। राइट ये रहा हमारे, एक बार वो हेलमेट भी लेके चले गए और एक बंदा तो पैसा भी लेके चला गया यहाँ पे। आईडी मैंने ऑफ ना, हाँ आईडी मैंने ऑफ कर दिए, आप आइए आराम से। तो भाई मैंने पैसे तो ले लिए हैं इधर के राइड के,
बाकी भाई अब भरोसा नहीं करना किसी पे, भरोसा करके हम धोखा धोखा आ चुके हैं। तो देख रहे भाई वो तो आए नहीं, मैंने उनका यहाँ पे 15 मिनट लगभग इंतज़ार किया भाई, समय तो फ्रॉड होते होते आज मैं फिर से बच गया। ये तो अच्छा मैंने दिमाग लगा लिया कि मैंने पैसे उनसे पहले ले लिए। भाई रैपिडो में पता नहीं कौन सा स्कैम चल रहा है अब भाई, 5 सेकंड बोल के 15 मिनट से मैं वहाँ खड़ा हूँ उनका वेट कर रहा हूँ, आए नहीं भाई। चलिए फिलहाल हमारी राइड एक आ चुकी है। ओ भाई साहब ये कौन सा रेगिस्तान में आ गए यार, ये इतने अच्छे अच्छे रोड गूगल मैप वाले को पता कैसे चलता है, मैं तो इसी में शॉक्ड हूँ। ओ भाई साहब यार हम गलत रास्ते आ गए क्या? ओ माय गॉड गिरने बच गया, थैंक गॉड बच गया। यार क्या रोड है ये, डेजर्ट सफारी चल रहा है लगता है मेरा। ये कौन सा रास्ता यार, ये तो हद हो गई यार, गूगल वाले को सब पता कैसे चलता किधर रास्ता भी है, हमें तो ये सब चीज़ पता नहीं रहता किधर भी रास्ता है, बट गूगल वाले को पता है भाई, मानना पड़ेगा गूगल को। चलिए देखते हैं आज हम पहुंचेंगे कस्टमर के पास या फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। भाई डिपेंड करता है वो तो। ये आपने मुझे लगाई तो नंबर भी वो नहीं है, वो नहीं आ रहा था उसमें, कॉल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, रैपिडो का ही वो था। हाँ तो रैपिडो में ही लगता कॉल, वो मेरे में आता फिर। ओटीपी बताइए। 4689 4689। अरे चक्कर क्या है, किसी और की आईडी से बुक किया है मैंने। अच्छा आपको आवाज लगा रहा हूँ, वहाँ खड़ा था पूरा गाड़ी के पास। अच्छा भैया ओके ओके। तो भाई 11:15 हो गए हैं, रैपिडो में हमारी अर्निंग हो गई है कितने हो गए यार, मात्र 197। अब ओला कभी ऑन तो कर दे, लेकिन फ़ायदा क्या ऑन करने का, ये तो ऑन ही है, राइड तो इसमें आई नहीं राइड यार। भंडारा में चाय समोसा लेने के लिए लाइन में लगा था, एक और राइड आ गई यार, तो फिलहाल हमें चाय तो नहीं ले पाए, पर हमें समोसे खा लिए भंडारे के। पिछले कस्टमर को पिक कर लेते हैं, वो तो सामने में भी थे पास में ही, चलिए कॉल कर लेते हैं कस्टमर को। तो हमारा तो मोए हो गया, मैडम बोल रहे 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं सूप पहन रही हूँ यार, तब तक मैं समोसा के साथ चाय भी ले लेता यार, मिस कर दिया मैंने चाय को, क्या ही कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इनका वेट ही करना पड़ेगा, भंडारा तो वहाँ पे लग रहा है, कहाँ से 50 मीटर दूर है, अब मैं वहाँ कित जाऊँगा नहीं। 3489 ओके ले लीजिए। मैं बैठ जाऊँ? हाँ जी थैंक यू। ये पीछे चलना है? हाँ पीछे से हाँ, अंदर भी चल सकते हैं, भी दोनों तरफ से कोई इशू नहीं है। सेक्टर 32 जाना है ना? साइड में ही रहते हैं, इधर साइड में कहीं नहीं। थैंक यू। भाई मैं बैठे बैठे अपना थंबनेल बना रहा था वीडियो के लिए, एक और राइड आ गई है छोटी सी रैपिडो में, चलिए इनको पहले ड्रॉप कर देते हैं फिर बनाएंगे अपना थंबनेल। तो भाई ये राइड तो हमने कंप्लीट कर दिया है, सेक्टर 31 के मार्केट में आ गए हैं। तो चलिए जब तक राइड नहीं आती है तब तक बैठ के अपना वीडियो को अपलोड करते हैं, थंबनेल भी अभी तक नहीं बनाया मैंने, कहीं धूप में बैठेंगे उसके बाद थंबनेल भी बनाएंगे और वीडियो भी अपलोड करेंगे।